नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन साइनेपिस एल्बा के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो साइनेपिस एल्बा जो है, ये जो है प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और गैस्ट्राइटिस के लिए, गैस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप बहुत सारी मेडिसिन जैसे गैस के लिए चाइना, कालीकार, ब्लाइकोपोडियम और ये सब मेडिसिन यूज़ करके अगर उनसे आराम नहीं लगता, तो उसमें एक अच्छा एडिशन है साइनेपिस एल्बा। तो साइनेपिस एल्बा जो है अनेक प्रॉब्लम के लिए, गैस के, एसिडिटी की अनेक प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों, मैं वाईके गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर रहे थे हम साइनेपिस एल्बा की। अगर आपको गैस से परेशानी है या बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है पेट में, तो इसके लिए साइनेपिस एल्बा या वाइट मस्टर्ड या राई, सफ़ेद राई जिसको बोलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इसके लिए। एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है साइनेपिस एल्बा। और साइनेपिस एल्बा जो है, वाइट मस्टर्ड जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसके जो सीड्स, भले ही वो वाइट मस्टर्ड उनको बोलते हैं, लेकिन जो इसके जो सीड्स हैं, आपने देखा होगा, येलो कलर के होते हैं और इसके अंदर एक खास तत्व होता है जिसको नाम हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सल्फोसाइनेपिज्म और एक मायरोसिन करके एक तत्व होता है। इन दोनों से बनता है ये जो ड्रग है साइनेपिस एल्बा, इसको टैचुरेशन करके मतलब। तो साइनेपिस एल्बा और गैस की जो है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज की दुनिया में जिनको अलग अलग कारणों की वजह से, चाहे वो नाइट शिफ्ट करना पड़े तो अगले दिन जो है बहुत ज़्यादा गैस हो जाता है, पेट भरा भरा सा रहता है, एसिडिटी के अनेक अनेक रूप रहते हैं। तो एसिडिटी जो है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी, जलन महसूस हो, बहुत सारे पेट के ऐसे मर्ज हैं जिसमें गैस, खासकर जैसे IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें कंटिन्यूस जो है गैस भरी रहती हो। तो अगर अक्सर आप किसी होम्योपैथ के पास जाएंगे तो वो आपको लाइकोपोडियम, चाइना, कालीकार्ब, कार्बोवेज, इन सब मेडिसिन का चयन करता है। लेकिन इसमें एक और अच्छा एडिशन है साइनेपिस एल्बा। अक्सर जिनको पेट की खराबी रहती हो, लीवर की खराबी रहती हो, जिनकी जवान जो है वो स्लाइटली जो है कोटिंग जो इसमें रहती है वो स्लाइटली वाइट कलर की रहती है, और वाइट और येलो कलर की, और अर्ली मॉर्निंग जो है बहुत ज़्यादा भास भी आती है, वाइट और येल्लो इस कलर की जो है कोटिंग रहती हो, बहुत डीप वाइट रहे तो हम एंटियम टार्ट जो है और एंटियम क्रूडम के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर येल्लो इस कलर की रहे तो फिर साइनेपिस एल्बा जो है के बारे में सोचा जाता है। और अगर लार बहुत टपकती है, जिसको हम बोलते हैं प्रफ्यूज स्लाइवेशन, जैसे मर्कसोल के अंदर भी ये सिम्टम होता है, लेकिन साइनेपिस एल्बा का सिम्टम ये है कि हमेशा जो है लार से भरा रहता है, ज़रा भी मुंह खोलते हैं तो टप 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 जो है लार गिरने लगती है। पर्टिकुलर सिम्टम के लिए भी साइनेपिस एल्बा जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इस तरह बहुत सारे जो है, खाना खाने का मन नहीं करता बहुत सारे लोगों का, और जैसे ही खाना खाने की तरफ वो चलते हैं तो जी मिचलाता है, वॉमिटिंग होती है, और अगर ज़रा सा आराम कर लिया 1-2 घंटे का तो उससे जो है, या 15-20 मिनट की नींद आ गई तो उससे जो है गैस कम हो जाती है। और यदि उन्हें ये गैस साथ ज़्यादा काम कर लिया अगर, या ज़्यादा चल लिया, ये गैस जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है ज़्यादा काम करने से या ज़्यादा चलने से, अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस सिम्टम के लिए भी बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। और ये कई बार ये जो सिम्टम है हार्ट से मिलते हैं, ऐसा लगता है कि हार्ट के जो सिम्टम हैं, हार्ट के जो पेशेंट के सिम्टम हैं गैस्ट्राइटिस में, ऐसा लगता है कि इधर की तरफ जो है, या इधर की तरफ, दोनों तरफ गैस फंस रही है और कुछ हार्ट के सिम्टम नज़र आते हैं। तो इस तरह इससे जो है साइनेपिस एल्बा इस केस में बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बहुत सारा अगर आपको गले में म्यूकस बना रहता है एसिडिटी की वजह से, तो और जलन होती है कॉन्स्टेंटली, खाना खाने से पहले भूख तो लगती रहती है लेकिन पेट भरा भरा सा रहता है, और नीचे से भी गैस पास होती है, और यहाँ पर जो गैस होगी वो बिना स्मेल वाली, बदबू नहीं आती, गैस जो पास होती है उसमें स्मेल नहीं रहता। अगर स्मेल वाली गैस है तो उसके लिए अलग मेडिसिन है, तो अगर स्मेल नहीं रहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है साइनेपिस एल्बा। कई बार यहाँ पर जो है थोड़ा हैवीपन सा रहता है, भरा भरा सा रहता है, तो इस केस में भी ऐसा फोडिटा के बारे में भी सोचते हैं, और साइनेपिस एल्बा भी इस केस में अगर यहाँ पर भरा भरा सा महसूस हो बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कुछ बच्चों में और बड़ों के अंदर जो है बारीक बारीक थ्रेड वॉर्म या छोटे छोटे वॉर्म्स जो है
लेटरिन में पास होते हैं मरे हुए वॉर्म्स, गुच्छे के गुच्छे पास होते हैं। तो जब भी पास होते हैं तो गूदा द्वार में जो एक स्पाज्म आ जाता है जिसको हम एनल स्पाज्म भी बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट एनस के पास भरा हुआ हो, फंसा हुआ हो। तो इसी तरह से खाना खाने के समय भी यहाँ पर ऐसा लगता है कुछ भरा हुआ हो। ये सारे सिम्टम जो है बहुत ज़्यादा पेक्यूलर हैं साइनेपिस एल्बा के लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको जो है यूरिन इन्फेक्शन रहता है, यूरिन इन्फेक्शन जब पेशाब आती है तो बियर वाला कलर जो होता है, जो कलर येलोइस ब्राउन कलर का यूरिन रहता है और उसमें बदबू भी आती है, तो ऐसे केस के लिए भी, इस कंडीशन के लिए भी साइनेपिस एल्बा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो साइनेपिस एल्बा को दोस्तों 30 पोटेंसी में हमें यूज़ करना चाहिए। इसकी 30 पोटेंसी, 2 बूंद सुबह, 2 फेर शाम, इसको डायरेक्टली टंग पे लें, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। कुछ केसों में हम इसको मदर टिंचर में भी यूज़ कर सकते हैं, मदर टिंचर की 10 बूंद। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है उसको दबाइए, साथ ही साथ रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।